हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है, ये एक शॉर्ट रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। ये बिल्कुल टाइमलेस है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सबसे पहले हमारे पास है द वर्ल्ड, द टावर, द स्टार, Temperance, Ten of Swords, Ten of Pentacles, Ten किसी के लिए significant हो सकता है, Queen of Pentacles, Page of Wands, Bottom of the deck पर Eight of Wands है। So आपके person की current feelings और thoughts, I do feel के आप लोगों के दरमियान separation है, क्योंकि हमारे पास Ten of Swords है। सेपरेशन अगर नहीं भी है, इसका ये मतलब हो सकता है कि शायद इस वक्त आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई चेंज आ रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और ये चेंज उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ये वक्त उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, और इस वजह से शायद आपके साथ वो कनेक्ट ना कर पा रहे हों। बट आई रियली फील कि ये इंसान आपके साथ बहुत कनेक्टेड हैं, चाहे 3D में इस वक्त कोई मूवमेंट ना हो रही हो, 3D में आप लोग साथ हों या ना हों, ये इंसान हमेशा आपके साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आपको ऑलरेडी अपने जीवन साथी के रूप में देखते हैं, ऑलरेडी वो ये सोचते हैं कि आप उनके हस्बैंड या आप उनकी वाइफ होंगे या हैं, और ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, इनके जहन में है ये। मे बी ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि ये चेंज जो भी उनकी ज़िंदगी में आ रहा है, जैसे ही ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, जो भी ये चेंज है, उसके बाद ये इंसान इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, बिकॉज़ वो जानते हैं कि आप इंतज़ार में हैं उनके, आपको बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद है। ये इंसान जानते हैं कि आप बहुत उनके साथ पेशेंट रहे हैं और उन्होंने कुछ उतनी एफर्ट नहीं की है या उतना नहीं किया, या वो अभी तक उस स्टेप तक नहीं गए हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। सो ये इंसान प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि जैसे ही उनके कुछ मामलात ठीक हो जाएंगे, मे बी आपके पर्सन के कुछ गोल्स हैं जो वो चाहते हैं कि जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर वो आपके साथ इस कनेक्शन को आगे लेकर चलना चाहते हैं। सो ये इंसान आई रियली फील के ये सोचते हैं कि आप उनके इंतज़ार में हैं, उनकी उम्मीद में हैं। सो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि मे बी ये इंसान ट्रैवल का भी सोच रहे हैं, अगर आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस है, बिकॉज़ यहाँ पे ये दो कार्ड्स हमें बता रहे हैं। आप दोनों में कल्चर का डिफरेंस भी हो सकता है, बैकग्राउंड का डिफरेंस भी हो सकता है, कास्ट, लैंग्वेजेस, कुछ भी, बट डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं मुझे आप लोगों के दरमियान। सो आई रियली फील कि ये इंसान मे बी ट्रैवल का सोच रहे हैं, बहुत जल्द आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, मे बी कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बट मुझे मेनली, अगर अभी तक आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, मुझे मेनली ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान ट्रैवल करने वाले हैं। मे बी बहुत टाइम हो गया है आप लोगों को एक दूसरे को देखे हुए या मिले हुए, सो ये इंसान प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने का, ट्रैवल करने का, और चीज़ों को ठीक करने का, बैलेंस इवन के करने का विद द टेम्परेंस कार्ड। सो आई फील कि ये इंसान आपके लिए बहुत, इनकी जो थॉट्स हैं और फीलिंग्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत सीरियस हैं। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बट आई रियली फील कि उनकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है विद द टेन ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। कुछ कंप्लीट होने वाला है उनकी ज़िंदगी में, या फिर ये कोई ट्रांजिशन पीरियड है उनकी ज़िंदगी का, इवन के ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। इस वजह से, अगर तो वो आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहे तो यही एक वजह है मुझे नज़र आ रही है, कुछ चेंज उनकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसकी वजह से नहीं कर पा रहे। एंड फॉर अदर्स, आई फील के आपका ब्रेकअप हुआ हुआ है या सेपरेशन हुई भी है आपके पार्टनर के साथ, बट मुझे ये फील हो रहा है कि ये सेपरेशन, ये ब्रेकअप बिल्कुल टेम्परेरी है और एक नया साइकिल आपका आपके पार्टनर के साथ शुरू होने वाला है। आपके लिए ये चेंज बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा, आपके लिए ये चेंज बहुत ही अबंडेंट होगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी आएगी, होप आएगी, बैलेंस आएगा, बड़ा स्पार्क आने वाला है, स्पार्क रिन्यू होने वाला है इस कनेक्शन का, अगर इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं। सो आई रियली फील कि बहुत पॉजिटिव
और हैप्पी चेंजेस आपके इस कनेक्शन में आ रहे हैं. सो ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन लव यू लॉट्स. बाय बाय.